हाँ तो दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर निशांत गुप्ता आज आपके सामने फिर से आया हूँ एक ऐसी अदाकारा को लेकर जिनको आप जानते हैं स्वराज, वीरा और वारिस जैसी मूवीज़ और टीवी सीरियल्स के कारण। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक ऐसी शख्सियत हमारे सामने है जिनका नाम है फरनाज शेट्टी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत और तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मेरा इन्विटेशन स्वीकार किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर निशांत गुप्ता, और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आपने मेरा दिया है, थैंक यू सो मच। वैसे आपकी वीडियोस मैं बहुत देखती हूँ, उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करती हूँ। आपको तो पता है हम इंडस्ट्री में, हमें स्किन केयर कंसर्न्स, हेयर कंसर्न्स, हेल्थ फिटनेस, कितने सारे कंसर्न्स होते हैं। मैंने सोचा मैं वीडियो ही क्यों देखूं, क्यों ना आपके सामने बैठकर आपसे बात करूं। क्या बात है मैम, क्या बात है। सही में तहे दिल से मैं इसलिए शुक्रगुजार आपका हूं कि आपने मेरा इन्विटेशन तो स्वीकार किया ही किया, और एक इतने खुशनुमा माहौल में आज का ये पॉडकास्ट चल रहा है कि उसके बाद और आपको देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई में पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सही में होने वाला है। मज़ा ही आने वाला है। मज़ा ही तो आ जाएगा, क्या बात है मैम। मैं खुश हो गया कि आपको मेरी ये जो लाइन है सिग्नेचर लाइन, जिसको मुझे भी बोल के बड़ा मज़ा आता है अपने दर्शकों के लिए। अच्छी वाइब है उसकी। थैंक यू मैम, थैंक यू। सच में सामने वाले को देखकर मज़ा ही आ जाता है। मज़ा ही आ जाता है। सो लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाली हूँ, बहुत सारे सवाल पूछने वाली हूँ आपसे, और डेफिनेटली आपसे जवाब चाहूँगी क्योंकि अपने दोस्तों को और जो आसपास के लोग हैं उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके जवाब से। Sure. पूछ सकती हूँ? हाँ, अरे श्योर मैम, श्योर। ओके, तो अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड एक सवाल पूछ लेती हूँ। अभी हम जैसे बाहर निकलते हैं, स्किन के काफ़ी सारे कंसर्न्स होते हैं, ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, तो आपके पास ऐसी कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है जिससे ब्रेकआउट, एक्ने, स्किन इश्यूज ठीक हो सकते हैं? देखिए, एक्ने, पिंपल्स और ब्रेकआउट, स्किन ब्रेकआउट्स वाली प्रॉब्लम तो वैसे पूरे साल भर व्यक्ति को रहती है, केवल गर्मियों के मौसम में नहीं। मुझे ऐसा लगा कि स्किन ऑयली हो जाती है जैसे बाहर निकलने पे, डस्ट से या किसी चीज़ से शायद ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती है वो। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? हाँ, मैंने अक्सर लोगों को ज़्यादा फेस करते हुए देखा है इस प्रॉब्लम। इसका आंसर मैं आपसे पूछूं मैम, आप कैसे ख्याल रखती हैं पहले ये बताइए, फिर मैं उसमें ऐड ऑन कर दूंगा। मेरी स्किन एक्चुअली ऑयली नहीं है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, तो मुझे आपने देखा होगा मेरी स्किन क्लियर है, तो मुझे ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, बट मैं उन लोगों को जानती हूँ जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, और अक्सर अभी तो मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्ने इश्यूज लोगों को फेस कर रहे हैं और मल्टीपल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक इज समथिंग विच इज़ नेचुरल। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कुछ नेचुरल रेमेडी अगर आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहें। मैम, नेचुरल रेमेडी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आपने ये बोला कि मुझे अपनी स्किन का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ। अगर आप ख्याल रखने लगे तो क्या हाल होगा? एब्सोल्युटली। चलिए, खैर, आपके प्रश्न का उत्तर ये है, एलोवेरा जेल फ्रेश रॉ फॉर्म में यदि हम यूज़ करें, नॉट मार्केट अवेलेबल प्रोडक्ट्स, सीधा सीधा आपने प्लांट से लिया, उसको पील ऑफ किया और उसका मास्क लगा लीजिए, और दूसरा जो सबसे अच्छा काम करता है वो करता है क्यूकुम्बर, खीरा। अच्छा। लेकिन वो हाइब्रिड वैरायटी का ना हो, देशी खीरा जो मार्केट में आता है, सब्जी वाले के पास आप जाएंगे बोलेंगे देशी खीरा मुझे चाहिए। अच्छा, तो तीन चार टाइप के खीरे आजकल बहुत टाइप के आते हैं, और तो उसमें क्यूकरबिटेसिन नामक एक पदार्थ होता है, वो मैक्सिमम होता है जो खीरा देशी आमतौर पे आम भाषा में बोला जाता है। हाइब्रिड वाली वैरायटी में क्योंकि बहुत सारी अलग अलग संशोधन करके वो तैयार किया जाता है, उगाया जाता है, जिससे उसमें मीठापन बरकरार रहे, ये सब चीज़ें ना निकले, वो ऊपर से काट के घिसना ना पड़े, कड़ुआपन उसका निकल जाए बिना उसके ही, तो वो इस वजह से इस तरह से तैयार किया जाता है। तो आप मार्केट से लेके आइए देशी वाला खीरा, स्लाइस ऑफ कीजिए और रखिए। मेरे ख्याल से आपको भी पता होगा ये सब रेमेडीज तो। जैसे कि मैंने आपको बोला, मैंने यूज़ नहीं, हाँ, लेकिन एलोवेरा जेल का जैसे आपने बोला मुझे कि आप फ्रेश लेकर आए, हाँ, रॉ फॉर्म, लेकिन कई सारे लोग वो प्रेफर नहीं कर पाते क्योंकि उसे मेंटेन घर में करना पड़ता है, तो जो एलोवेरा जेल मार्केट में है उसमें और उसमें फ़र्क है? मैम, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह लगते हैं। अच्छा। उसकी जो एक्टिवनेस है वो इतनी नहीं रह जाती, कुछ मतलब वो आप समझ लीजिए बेस्ट बिफोर वन ईयर, बेस्ट बिफोर टू ईयर्स एक्सपायरी उसकी दो तीन साल तक रहती है। हाँ। तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है केमिकल्स द्वारा, तो अलग अलग प्रकार के उसमें केमिकल्स लगते होंगे। ओके, ओके। और उसमें कहीं ना कहीं ऐसे केमिकल ज़रूर होते हैं कि वो एक समय तक तो आपकी स्किन को ठीक ठाक रखते हैं, लेकिन उसके बाद वो कहीं ना कहीं नुकसान भी देना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, मेंटेन तो आपको अपने लाइफस्टाइल के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। कुछ लोग जो मेंटेन एंड मैनेज करना चाहते हैं वो घर में गाय भैंस भी बांध के रखते हैं जो अच्छा दूध पीना चाहते हैं, तो फिर तो ये छोटा सा घर में पौधा ला के रखने वाली बात है, ला के रखिए ना। करेक्ट, करेक्ट, बस ये तो बहुत अच्छा है, आई थिंक बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी इससे। जी, मुझे लगता है ऐसा।
और मेरी जैसे एक फ्रेंड है, ये मेरा दूसरा सवाल है आपसे भाई, ओके मेरी एक फ्रेंड है, जैसे वो धूप में निकलती है बाहर तो कई बार उसे स्किन पे रेडनेस और एलर्जी जैसे फील हो जाता है. तो मैं तो मतलब वो मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स को लोग यूज़ करते हैं, बट अगर नेचुरल में अगर कुछ है, जैसे डस्ट एलर्जी होती है कुछ लोगों को, सन एलर्जी होती है, तो अगर आप कुछ नेचुरल रेमेडी बताना चाहेंगे आयुर्वेदिक तो विल बी रियली गुड. देखिए आयुर्वेद की भाषा में उसको कहा जाता है पित्त. वो पित्त एग्रेवेट हो गया एक तरह से, जो आपकी बॉडी में पड़ा हुआ होता है. वात पित्त और कफ तीन ही दोष होते हैं. तो पित्त भी वैसे मुख्यतः पांच प्रकार के होते हैं, और जो ये हमारी स्किन पर निकल आता है उसको बोलते हैं रंजक पित्त. टेक्निकली मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, हालांकि आपसे उसका नॉलेज है. हाँ जी, हाँ जी, मुझे नहीं पता. हाँ, उसको रंजक पित्त बेसिकली बोला जाता है. जितनी भी स्किन डिजीजेस पित्त के कारण होते हैं मोटे तौर पर उनको रंजक पित्त बोला जाता है. और उसको ठीक रखने के लिए जो शीत गुण वाले यानी ठंडी औषधियाँ जैसे होती हैं, हम कहते हैं कि इसकी तासीर कैसे है, गर्म है ठंडी है, तो ठंडी तासीर वाली जो औषधियाँ होती हैं वो आपको यूज़ करनी चाहिए गर्मियों में. हाँ, खानी चाहिए. खाएंगे अगर उसको आप तो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे. वैसे मैं आपको बता दूं, दही की तासीर ठंडी नहीं होती. अच्छा, नहीं दही की तासीर गर्म होती है. गर्म होती है. अच्छा, ठीक है. और ये बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि दही की तासीर गर्म होती है. अच्छा, बट ये जो मैं बोल रहा हूँ शास्त्रों के आधार पे बोल रहा हूँ. जैसे बर्फ हमें खाने में ठंडा लगता है लेकिन होता गर्म है, आपने सुना होगा, है ना, आप ये जानते हैं. तो क्योंकि ये एक बहुत पुराना समय से चला आ रहा प्रचलन है कि बर्फ के बारे में सब लोग जानते हैं बट दही के बारे में कोई नहीं जानता. लेकिन जैसे मैंने, आई एम सॉरी टू कट यू, बट एक आपका वीडियो देखा था जिसमें पेट के अल्सर्स को लेकर आपने बोला था कि दही और उसमें कुछ चीज़ों को मिक्स करके हमें खाना है. हाँ, तो अगर उसकी तासीर गर्म. हाँ, वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने उसमें दही नहीं बोला हुआ, मैंने उसमें छाछ बोला हुआ है. हाँ, छाछ, राइट. हाँ, तो छाछ की तासीर अलग होती है, दही की तासीर अलग होती है. अच्छा, ऐसा भी. हाँ जी. और टेक्निकली अगर मैं बात करूँ दही की, बनता ही दही से है ना. हाँ, लेकिन उसमें मक्खन निकल जाता है. अच्छा, ऐसा भी है. हाँ, तो प्रोसेस बनाने के अलग अलग हैं, पानी के संपर्क में आता है. टेक्निकली अगर मैं बात करूं, छाछ को बनाने का भी तरीका है कि कितने दही में कितना पानी डालना चाहिए तब वो छाछ टेक्निकली तैयार होगी. वो ये विषय खैर लंबा हो जाएगा. काफी इंटरेस्टिंग है. हाँ जी. तो मैं रंजक पित्त के बारे में बात कर रहा था. मार्केट में गुलकंद आप ले लीजिए और उसमें प्रवाल पिष्टी भी इजीली मार्केट में मिल जाएगी. वैसे प्रवाल पिष्टी डला हुआ गुलकंद हम लोग भी बनाते हैं. अच्छा. हाँ, तो वो आप ले लीजिए. मार्केट में भी बहुत सारी कंपनीज का आता है, वो आप ले लीजिए. उसको सुबह शाम यूज़ आप कीजिए. और बेस्ट इसके लिए जो है वो है, एक प्रोडक्ट आता है सुआंवला करके, मेरा ही प्रोडक्ट है वो, सुवासित आंवला. और मुझे लग इसलिए रहा है कि शायद आप इस वजह से हंस रही हैं कि आपने उस प्रोडक्ट को यूज़ भी किया है और आप उसके बारे में जानती भी हैं. जी, मुझे बहुत पसंद है उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट. और मीठा है लेकिन इतना गुणकारी है, तो ये सुनकर मैं तो काफी सरप्राइज हूं. जी, उसके ऊपर मैं बाद में सवाल करूंगी आप. चलिए, तो सुआंवला आप ले सकते हैं. अच्छा. गुलकंद प्रवाल पिष्टी वाला आप ले सकते हैं. सत्व गिलोई, गिलोई से, गिलोई के बारे में आपने सुना होगा. उसका एक्सट्रैक्ट मार्केट में इजीली मिल जाता है, शहद में मिलाकर उसको ले सकते हैं. अच्छा. और एक मार्केट में कपूर आता है, भीम सैनी कपूर करके, कैम्फर. अच्छा. लेकिन वो पूजा वाला कैम्फर नहीं होता, वो दवाई में यूज होता है. आप उसको आधे चने के बराबर, मतलब आप खा लीजिए उसको, चूस लीजिए उसको, जैसे टॉफी हम लोग यूज करते हैं. आपको बड़ा अटपटा सा लगेगा सुनने के बाद कि मैं कपूर बता रहा हूँ, बट भीम सैनी कपूर करके एक वैरायटी आती है. वो इजीली आप उसको जब खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मैं कोई इस तरह का कोई कपूर वाली या दवाई वाली आइटम खा रहा हूँ. वो इजीली आप खा भी सकते हैं और वो, मतलब आपको पता नहीं होता, बहुत सारी दवाई में डलता है और उस कपूर को खाते हैं दवाई के फॉर्म में. बट आज मैंने आपको बता दिया तो आपको अटपटा सा लगेगा. हाँ, लेकिन काफी इससे हेल्प मिलेगी, काफी नॉलेजेबल है. जी जी. और छाछ यदि गर्मियों में आप लेते हैं तो वो भी बड़ा हेल्प करता है आपको. अच्छा. डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स करता है और ये सारी हेल्प आपको उससे मिलती है. ओह, दैट्स रियली नाइस. ये मेरे फ्रेंड्स अगर आपका देख रहे होंगे पॉडकास्ट, इट विल डेफिनेटली हेल्प देम. अच्छा, जरूर. टू द ऑडियंस आल्सो. दूसरा, अब जैसे मैं कई दिनों से काफ़ी बिजी थी, बहुत हेक्टिक स्केड्यूल था, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना, काफ़ी टायर्डनेस हो जाती है और स्ट्रेसफुल फील होता है. तो इस स्ट्रेस मैनेजमेंट को हम कैसे आयुर्वेदा से क्योर कर सकते हैं या कैसे हेल्दी और फिट रह सकते हैं? एनीथिंग दैट यू वॉन्ट टू सजेस्ट? मैम, मैं सजेस्ट ये करना चाहूँगा कि आप इससे भी ज़्यादा फिट रहना चाहती हैं. डेफिनेटली रहना चाहती हूँ. और मेंटल स्ट्रेस भी एक होता है ना, जैसे टायर्डनेस, फिजिकल टायर्डनेस हो जाती है. एंड देन ऑब्वियसली हम रात को सोते हैं तो सुबह फ्रेश फील करते हैं, लेकिन शाम होते होते वो एक टायर्डनेस फील होती है या इन बिटवीन मैनेज नहीं हो पाता है. तो उसके लिए आई एम श्योर आपके पास कोई ना कोई बहुत अच्छी रेमेडी होगी. प्लीज़, आई वुड लाइक यू टू शेयर.
देखिए स्ट्रेस मैनेजमेंट, बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें। हाँ। उसके लिए तो आयुर्वेदा में कहा गया है कि आहार और निद्रा, प्रॉपर टाइम पे जो आपको भोजन लेना चाहिए वो लीजिए, और अपनी आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। नींद के लिए मैं कॉन्सेप्ट बता दूं, आजकल कहा जाता है कि आपको 6 घंटे की नींद जरूरी चाहिए होती है, 8 घंटे की नींद जरूरी चाहिए होती है। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। ये टर्मिनोलॉजी, ये मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको कितने घंटे की नींद चाहिए होती है। अच्छा। किसी को 2 घंटे की नींद सफिशियंट होती है, किसी को 4 घंटे की नींद सफिशियंट होती है, और किसी को 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। आपने वो राज बता दिया कि स्किन मैनेजमेंट का क्या तरीका है आपके, 8 घंटे सोना चाहिए। हाँ। अच्छा भैया, सब लोग सुन लीजिए, 8 घंटे सोना चाहिए कम से कम। ये 6 घंटे वाला यदि कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो निकाल दीजिए, 8 घंटे सोना चाहिए। चलिए ठीक है मैम, चलिए। खैर, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि पोस्त दाना करके एक मिलता है आपको, उसकी मिठाई भी बनती है। अच्छा। जन्माष्टमी पे आपने देखा होगा उसकी पंजीरी हमारे घर में बनाई जाती है। अच्छा, वो जो छोटी-छोटी मिठाई जैसी, ब्राउन कलर की बनती है। हाँ, हाँ, और वैसे मुझे पंजीरी के नाम याद आया, ये जो पंजीरी शब्द है ये भी डिराइव हुआ है पंचजीरी नामक शब्द से। इसमें भी 5 चीजें होनी चाहिए, वो उस वाला विषय को कभी फिर से छेड़ूंगा कि 5 चीजें कौन कौन सी होनी चाहिए, वरना विषय लंबा हो जाएगा। तो पंजीरी पोस्त की बनती है, इजीली मार्केट में मिल जाता है पोस्त दाना। बीज होता है जो ऑपियम होता है ना, अफीम। हाँ हाँ। उसका बीज होता है वो बेसिकली। तो अफीम का रेजिन बाहर निकल जाता है पूरे अच्छी तरीके से, उसके अंदर बीज रह जाते हैं, जो बीज अलग अलग दवा में यूज किए जाते हैं। और स्ट्रेस मैनेजमेंट में उसका सीधा सीधा तरीका क्या है, तरबूज की गिरी आप लीजिए 50 ग्राम या 100 ग्राम या जितनी मात्रा में आप बनाना चाहते हैं, और उससे आधी मात्रा में आप उसके साथ पीस लीजिए सिलबट्टा, जो पुरानी हमारी दादी और मम्मी यूज किया करती थी ना, अगर उस पे आप बनवाएंगे तो मिक्सर यूज करेंगे लोग। हाँ, मिक्सर यूज करेंगे, कोई बात नहीं। वो जैसा आजकल आधुनिक जीवन है उसमें मिक्सर ही, मतलब मैं लोगों को ये थोपूं कि आप सिलबट्टा यूज कीजिए तो नहीं बनेगी ना बात। तो उससे आधी मात्रा में भी होना चाहिए, लेकिन चौथाई मात्रा में आप पोस्त दाना डालेंगे। जैसे 100 ग्राम आपने तरबूज की गिरी ली है और 25 ग्राम आपने उसके साथ पीस लिया खस, पोस्त भी बोलते हैं खस भी बोलते हैं। और अच्छा, खसखस जो, हाँ जी खसखस, एग्जैक्टली। अच्छा, है ना। हाँ, हाँ। तो खसखस आपने उसके साथ पीस लिया, और उसमें आप गुड़ यदि मिलाना चाहते हैं तो गुड़ मिला लीजिए, गुड़ अगर मिलाएंगे तो बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा उसमें इमली का पानी, आधे घंटे पहले 15 मिनट पहले इमली आप पानी में भिगो के रख लीजिए और उसको डिजोल्व कर लीजिए, वो आप दिन में 2 बार पीजिए। उससे फैटी लीवर वगैरह की कोई दिक्कत है, लीवर को भी ठंडक मिलती है, डाइजेशन भी प्रॉपर रहता है, और स्ट्रेस लेवल जो है वो भी आपका बहुत अच्छे तरह से ठीक हो जाता है, बूस्ट अप एग्जेजरेट हो जाता है आपका मेंटल लेवल, मानसिक शांति जिसको बोलते हैं वो मिलती है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज आप सभी टाइम निकाल के ये रेमेडी को यूज कीजिए टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। क्या बात है। अदर देन दैट, जैसे आपको आंवला मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है बिकॉज ऑफ योर वेरी सक्सेसफुल प्रोडक्ट कॉल सो आंवला, राइट? अब मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी कि किन लोगों को वो यूज़ करना चाहिए और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं बॉडी पे। देखिए मैम, वो बच्चा भी यूज़ कर सकता है, 1 वर्ष के बच्चे से लेके 100 वर्ष तक का बुजुर्ग जो है सो आंवला को यूज़ कर सकता है। फटाफट से इसके बारे में बताता हूँ, सुवासित आंवला इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, उसकी शॉर्ट फॉर्म है सु आंवला। शास्त्रों से हमने इसको डिराइव किया है, राग खांडव शास्त्रों के अंदर इसको बोला जाता है, जैसा शास्त्रों में लिखा है उसी तरीके से बनता है, चूने पानी द्वारा निथार कर। सारंग मधुमक्खी के शहद से इसको बनाया जाता है, इसी कारण से इसको डायबिटिक्स लोग भी खा सकते हैं। जबान पर हमारे ये मीठा स्वाद देता है, लेकिन शरीर में जाके एक तरह से, मैं बात करूँ स्वाद की, यानी मेटाबोलाइज होने के बाद जो इसका एक्टिव स्वाद शरीर में जाके निकलता है वो कषाय रस यानी कड़वा होता है, तो इसलिए इसको डायबिटिक्स लोग भी खा सकते हैं। असमय बालों का गिरना, नज़र का तेजी से गिरते जाना, IBS अल्सरेटिव कोलाइटिस, सर्जरी के बाद यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि कमजोरी बहुत दिनों तक बनी हुई है, डेंगू फीवर किसी को है, कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों को आज तक कमजोरी बनी हुई है, उस कमजोरी में बेहतरीन काम करता है। और आपको लगता है यदि कोई मैं दवाई खा रहा हूँ उसका इफेक्ट अब उतना नहीं आ रहा जितना पहले आ रहा था, तो उन लोगों को सुआंवला ज़रूर खाना चाहिए। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। सो मैं भी खा सकती हूँ सुआंवला? आप क्यों नहीं खा सकती मैं? नहीं, बिकॉज मैं, जैसे आपने बोला मीठा, उसकी तासीर मीठी है, राइट? टेस्ट मीठा है, और मैं डाइट करती हूँ और वर्कआउट करती हूँ, तो
बॉडी पर असर तो नहीं करेगा। मैम आपने केवल मीठा वाला पार्ट सुना, आपने ये क्यों नहीं ध्यान दिया कि मैंने आपको ये भी बोला है कि उसके अंदर सारंग मधुमक्खी का शहद है, हाँ, ना करेक्ट। तो उसकी वजह से वो डायबिटिक्स लोग भी खा सकते हैं, खा सकते हैं। तो हम और आप क्यों नहीं खा सकते, हेल्थ कॉन्शियस लोग भी खा सकते। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। ज्यादा अच्छी लगने लगूंगी मैं, और कितना अच्छा लगना चाहती है मैं बार बार में। वाह ये काफ़ी अच्छा है, और लाइक मैं खुद भी लोगों को रेकमेंड करूँगा। मैंने टेस्ट किया है वैसे सुआंवला, मुझे उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा, और इट वो दवाई जैसे फील नहीं होता है, मिठाई जैसे फील होता है, जैसे exactly. कि आपने बोला, एंड यू फील लाइक ईटिंग लाइक अ डिजर्ट, है ना। तो इट्स वेरी गुड, दैट आई रियली लव योर प्रोडक्ट, थैंक यू। उसके अलावा ठीक है, तो मैं सुआंवला आज ही ऑर्डर करती हूँ, दो पैकेट्स या मुझे आप देंगे, जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं तो मैं आपके पास से भी लेकर जा सकती हूँ। बिल्कुल लेके जा सकती है मैम, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। लेकर आए, हाँ जी हाँ जी। जैसे हम शूट करते हैं तो हमारे दिन में शूट होता है, कभी रात में शूट होता है, कभी कभी हम 18-24 घंटे टेलीविजन करते हैं तो ओवरनाइट भी शूट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल हो जाए, वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिल पाता है, डाइट का हम ध्यान नहीं रख पाते, तो ऐसे में आपके पास आयुर्वेदा में ऐसा कुछ प्रोडक्ट है जो बॉडी को मेंटेन रखे, फिट रखे और ज़्यादा मेहनत नहीं करने पड़े? उसके लिए सुआंवला है, यदि मेरे से आप पूछेंगी तो। सच में? हाँ जी हाँ जी मैम। वो मतलब आपको फैट रिडक्शन, आपने तो उसको यूज किया है, भले एक पीस आपने उसका खाया है, हाँ, लेकिन आप खाने मुझे इतने उसके बेनिफिट्स नहीं पता थे, आई थॉट कि सिर्फ मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, बट फिजिकल बेनिफिट्स भी हैं उसमें। हाँ बिल्कुल है मैम, आप उसको कंटिन्यूएशन में यूज कीजिए, और हम तो उस पर दावा करते हैं कि हम लोगों ने इसके बारे में जो कहा है कि 110 रोगों में कार्य करता है, यदि एक हफ्ता बाद खाने के बाद आपको वो लाभ उससे महसूस नहीं होती तो वो वापस आप भेजकर तो अपने पूरे के पूरे पैसे वापस ले सकते हैं। मनी बैक गारंटी है। Really? हाँ जी। Wow, this is amazing. ये मुझे नहीं पता था। मनी बैक गारंटी देखिए तभी दी जाती है जब आपको अपने प्रोडक्ट पर इतना विश्वास होता है। हाँ, करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस, रियली इंटरेस्टिंग। वैसे अभी तो हमने स्किन केयर एंड हेल्थ एंड फिजिक के बारे में बात की, नाउ आई टॉक समथिंग अबाउट हेयर। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें डैंड्रफ इश्यूज बहुत होते हैं, स्कैल्प इश्यूज बहुत होते हैं, सो केमिकल प्रोडक्ट से लोग आजकल भागने लग गए, एवरीबडी वॉन्ट समथिंग ऑर्गेनिक और या नेचुरल कुछ, एंड आयुर्वेदा से बेटर क्या हो सकता है? एंड यू आई हैव यू डॉक्टर निशान गुप्ता इन फ्रंट ऑफ मी, तो आप ही मुझे बताइए कि डैंड्रफ के लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है? डैंड्रफ के लिए बेस्ट सोल्यूशन जो है, ये मैं आज न जाने मुझे क्यों लगा कि मुझे ये वाला फार्मूला बता देना चाहिए। Really? तो नहीं बताया आपने किसी को? नहीं, ये सीक्रेट फार्मूला है, लेकिन अब ये सीक्रेट नहीं रहेगा। ओके ठीक है। मार्केट में खल इजीली अवेलेबल है, सरसों का तेल निकालने के बाद सरसों की जो खली बच जाती है। अच्छा। जिसको पशु यूज करते हैं, कैटल फीड के रूप में जो यूज किया जाता है खली, उसको खल बोला जाता है, सरसों की खल। ओके। वो मार्केट से आप लीजिए, उसको पाउडर बना लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा दही मिला लीजिए, ठीक है। वो पेस्ट लाइक जब उसकी कंसिस्टेंसी बन जाए, उसको अपने बालों में आप लगाइए, बालों की जड़ों तक वो पहुंच जाए, आधा घंटा तक उसको लगा छोड़ दीजिए, उसके बाद बाल धो लीजिए। 5-7-10-15 दिनों में डेंड्रफ जो है, जिन लोगों की टेंडेंसी होती है कि डेंड्रफ बहुत ज़्यादा बनता है, उनको 80-90% खत्म हो जाएगा इस वाले घरेलू नुस्खे से। वाओ दिस इज अमेजिंग। ये एक्चुअली मुझे अभी तो है नहीं, बट एक टाइम था जब मुझे थोड़ा डेंड्रफ इश्यू था, बट मैं इसे फ्यूचर के लिए डेफिनेटली यूज करूंगी। हाँ जी, मैं इस पर रील भी बनाऊंगा, मुझे प्लीज बनाइए, बिकॉज़ इट्स गोइंग टू हेल्प पीपल। इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, नोबडी वांट्स टू गो केमिकल, राइट? नेचुरल इज ऑलवेज द बेस्ट। एंड बालों की बॉल्डनेस के बारे में मुझे पूछना है, जैसे हेयर फॉल इश्यूज बहुत हो रहे हैं, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट केमिकल शैम्पूज लोग यूज करते हैं, कंडीशनर्स यूज करते हैं, तो नॉट जस्ट इन फीमेल, लाइक मेल बॉल्डनेस, प्री एजिंग ग्रेनेस हो रही है लोगों के बालों में, तो उसके लिए कुछ सीक्रेट? उसके लिए सीक्रेट ये है कि बेस्ट जो काम करेगा वो करता है तिल का तेल। अच्छा। ये तेल जो शब्द है बेसिकली डिराइव ही तिल से हुआ है, तेल तिल, right. तो ये जो तेल शब्द है ये आया ही तिल से है। अच्छा। मतलब नॉर्थ इंडियंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो तेल अगर मैं बोल रहा हूं तो पहले तिल का ही तेल निकाला गया। हाँ जी, तिल का तेल, उसके बाद सरसों का तेल, नारियल का तेल, ये अच्छा। तीन तेल जो है वो बेस्ट होते हैं। अच्छा। बालों की देखभाल के लिए, अभ्यंग के लिए। हाँ जी, बालों की मतलब पूरी बॉडी की अभ्यंग यानी मालिश के लिए,
औषधीय यूज में लेने के लिए, बालों में लगाने के लिए ये तीन तेल बेस्ट होते हैं। बट अगर इस प्रॉब्लम के बारे में मैं बात करूं तो तिल का तेल बेस्ट होता है, लेकिन तिल का तेल मिलना आज के टाइम में असली मिलती तो हर चीज़ें हैं, लेकिन जनरली थोड़ा सा मुश्किल है। तो तिल के तेल की मैं सभी लोगों को पहचान भी बता देता हूँ कि तिल का तेल कितना भी आप फिल्टर कर लीजिए, उसकी एक टेंडेंसी होती है कि उसमें वो सेडिमेंट होता रहता है नीचे, उसमें 10-15 दिनों बाद गाद, जिसको आम भाषा में बोलते हैं, हाँ वो बैठती रहती है, और आप उसको स्मेल करेंगे तो आपको बिल्कुल तिल जैसी उसमें से खुशबू आएगी। अच्छा, अच्छा। हाँ, और आम तौर पे जो इस समय दाम है ओरिजिनल तिल के तेल का, वो 500 से 600 रुपये लीटर है। अच्छा। तो ये दो तीन चीज़ें मोटी मोटी मैंने इसलिए बता दी कि आपको मतलब आसानी हो चुनाव करें। हाँ, मिलावट बहुत चल रही है। हाँ, तो मतलब ऐसा भी लोग कर सकते हैं कि 500-600 रुपए लीटर आपको नकली दे दे, उसका मतलब ये नहीं है कि वो असली हो जाएगा। दो तीन चीजें मैंने ऐड ऑन इसके साथ कर दी हैं। दैट इज रियली नाइस। जी जी, दिस विल हेल्प अ लॉट। जी, वैसे डॉक्टर निशांत, मुझे आपके स्वावला के बारे में तो रील्स के थ्रू, इंस्टा रील्स, यूट्यूब में आप कितने ही फेमस हैं तो उसी के थ्रू पता चला था, लेकिन आपका एक और प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैंने अब तक बात नहीं की, आपको पता होगा उसके बारे में। जी जी, मुझे क्यों नहीं पता, बताइए कौन सा प्रोडक्ट है। वाकी च्यवनप्राश को हम लोग करेक्ट प्रमोट करना चाहते हैं, वो इस वजह से प्रमोट करना चाहते हैं कि वो भी हमने शुद्ध बिल्कुल शास्त्रों के तरीके से बनाया हुआ है। सारा मधुमक्खी का शहद भी उसमें यूज किया जाता है, और पूरे वर्ल्ड में कोशिश करके वो कॉन्सेप्ट मैंने लाने की कोशिश की है कि उसमें हम सर्टिफाइड सोने का वर्क अलग से देते हैं। अच्छा। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे कहीं च्यवनप्राश में सोना चांदी के नाम पे इसमें सोना डाला है, चांदी। मैंने अब तक ये सवाल किसी से पूछा नहीं, लेकिन ये सोना चांदी ऐसे क्यों, लाइक उससे बॉडी पे कुछ उसका? हाँ जी, मतलब आयुर्वेद में एक सोने की जैसे भस्म बनती है तो एक प्रभाव बॉडी के ऊपर अलग से होता है। अच्छा। ये कहा गया है कि जैसे कमल पत्र पर ओस की बूंद टिक नहीं पाती, इसी प्रकार स्वर्ण भस्म या स्वर्ण आदि के साथ मिश्रित होने से कोई औषधि आपके अंदर इन्फेक्शन को टिकने नहीं देती। Okay. तो आपको क्या पता है कि 300-400 रुपए किलो वाले जो च्यवनप्राश, सब लोग कह रहे हैं सोना चांदी च्यवनप्राश, उसमें सोना चांदी है या नहीं है कैसे पता चलेगा? हाँ। और प्रैक्टिकली आप देखिए कि च्यवनप्राश में इतने सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मैंने बनाया, आगे सुपर स्टॉकिस्ट को भेजा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा, फिर रिटेलर को गया, पैकेजिंग का खर्च, ये खर्च, वो खर्च, करेक्ट। तो 300-400 रुपए किलो में कैसे पॉसिबल है? करेक्ट, करेक्ट। तो इसी वजह से हम लोगों ने उसकी कॉस्टिंग भी ऐसी रखी है कि वो शुद्ध बनाने के बाद बहुत ज्यादा महंगी ना रहे। फिलहाल उसका जो दाम है वो 1180 रुपए 900 ग्राम का है, पूरे वर्ष भर खाया जा सकता है। एक खास उसकी बात यह है कि वो केवल बाकी च्यवनप्राश की तरह नहीं है कि केवल गर्मियों में खा सकते। हाँ, मैं वही सवाल भी आपसे पूछने वाली थी, तो हम हर सीजन में उसे खाते। शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि च्यवनप्राश आप केवल गर्मियों में खाइए या सर्दियों में खाइए। शास्त्रों के अनुसार च्यवनप्राश बनाए तो वो पूरे वर्ष भर आप खा सकते हैं। पहले मैं सोचती थी च्यवनप्राश नाम ऐसा क्यों रखा है, लेकिन कुछ च्यवन जड़ी बूटियों से? नहीं, च्यवन जड़ी बूटियों जैसा कुछ भी नहीं है, च्यवन ऋषि ने इसका इजाद किया था। च्यवन ऋषि ने, ये लोगों के मन में मिसकंसेप्शन है कि सब लोग कहते हैं च्यवन जड़ी बूटियां पड़ती, च्यवन जड़ी बूटियों से कोई मतलब नहीं। अच्छा। च्यवन ऋषि ने इसकी इजाद की थी। अच्छा। और खुद यूज किया था, अपने बेटे को यूज कराया था, ये वहां से डिराइव हुआ है च्यवनप्राश। अच्छा। ठीक है, और मैं सोने की बात कर रहा था, सर्टिफाइड सोने का वर्क हम इसमें अलग से देते हैं। हाँ। सोने का वर्क आप सर्टिफिकेट में से निकालिए, च्यवनप्राश में मिलाइए और एंजॉय कीजिए पूरे परिवार के साथ। पूरे अच्छा, परिवार तो आप सेपरेटली देते हैं? हाँ, अलग से देते हैं, अपने हाथ से मिलाइए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और पूरे परिवार के साथ मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि आप बच्चा भी खा सकता है, मैं बेट करता हूँ आप बच्चे को खिला देंगे बिना बताए कि च्यवनप्राश है तो वो उसको चॉकलेट समझेगा। अच्छा। सर्दियों में वो इतना मतलब उसकी कंसिस्टेंसी, टेक्सचर इतना हार्ड हो जाता है, टाइट हो जाता है कि वो पाम्स के बीच में आप चॉकलेट की तरह रोल करके बच्चे को कैंडी टॉफी की तरह खिला सकते हैं, उसको चॉकलेट मान के ही खाएगा। वाओ, ये मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा। और इसके केवल च्यवन प्रोडक्ट पे ही हमने मेहनत नहीं की है, बल्कि इसका जो जार है, कंटेनर है, स्टिकर है, वो भी इस तरह का हमने डिजाइन करने की कोशिश की है कि आपको हाथ में बच्चे को देने के बाद फील उसके आए कि मैंने चॉकलेट का डिब्बा पकड़ा हुआ। वाओ जी, वेरी नाइस। तो और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं तो च्यवनप्राश खाती हूँ, मम्मी भी खाते हैं घर पे, बट मैं ये वाला वकाई च्यवनप्राश डेफिनेटली ट्राई करूँगी। उसके अलावा जैसे वुमेन्स में पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, क्रैम्प्स आते हैं, दर्द होता है, फंक्शन नहीं कर पाते हैं कुछ, तो है ना, तो उसके लिए आयुर्वेदा में या आपका कोई स्पेशल सीक्रेट रेमेडी जो आप शेयर करना चाहेंगे? सीक्रेट तो खैर चलिए मजाक वाली बात थी तो, हालांकि आज मैंने पहली बार उस नुस्खे को शेयर किया था पॉड में, अच्छी चीजें सबके साथ शेयर होनी चाहिए। जो क्रैम्प्स वगैरह की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए वो इंटरनल स्वेलिंग जब हो जाती है उसकी वजह से ऐसा फील होता है। okay.
तो उसके लिए एक अर्क आता है मार्केट में, अर्क पुनर्नवा, ठीक है। और वैसे कुछ कंपनीज अर्क चौरखा के नाम से बना रही हैं। चौरखा का मीनिंग है चार तरह के अर्क उसमें मिले हुए होते हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो वो आप यूज कर लीजिए। और उसके अलावा अजवाइन का काढ़ा आप बना के पी सकते हैं। एक चम्मच अजवाइन को आप एक ग्लास पानी में पकाइए और वो पानी पकता पकता एक चौथाई रह जाए, आप उसको दिन में दो तीन बार दो दो चम्मच बस पानी मिला के पी लीजिए। उससे भी आपको क्रैम्प्स में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी और जो पीरियड से संबंधित महिलाओं की प्रॉब्लम्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। बाकी मैंने एक पॉड में और बताया था कि अशोका बेस्ड बहुत सारी, अशोका की छाल, अशोका के पेड़ की जो बार्क होती है उससे बनी हुई एक औषधि आती है अशोका रिष्ट के नाम से, वो आप यूज़ कर सकते हैं। पर उससे इंस्टेंट रिलीफ के लिए, यदि आप चाहते हैं कि मुझे एलोपैथी दवा की तरह आराम आ जाए, मुझे स्वेलिंग में, इंटरनल स्वेलिंग में, तो अर्क मकोए मार्केट में आपको इजीली मिल जाता है, काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज का, दो चम्मच। और उसमें अर्क अजवैन, अजवैन वाले काढ़े से यदि बचना आप चाहते हैं तो दो चम्मच अर्क अजवैन के और दो चम्मच अर्क मकोए के आप मिला के पी लीजिए, आपको इंस्टेंटली आराम आ जाएगा। या फिर उसके अलावा अर्क चौरखा आपको मिल जाता है, ये बहुत ज्यादा जनरल प्रोडक्ट नहीं है, हर शॉप में नहीं मिलता, लेकिन मिल जाता है तो चार चम्मच सुबह शाम इसके यूज कर लीजिए, बड़ा तेजी से आराम आ जाएगा। ओह वेरी नाइस। आजकल तो आयुर्वेदिक काफ़ी लोग प्रेफर कर रहे हैं एंड दिस इज़ रियली गोइंग टू हेल्प। मैं भी आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, नहीं, मेरा तो वेस्ट कुछ भी नहीं। मैंने बहुत सारे सवाल किए, मुझे आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा डॉक्टर निशांत, इट वॉज रियली गुड टॉकिंग टू यू। मैम आपका एक वीरा करके बहुत फेमस सीरियल हुआ है, हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसमें आपका एक बड़ा फनी सा डायलॉग था, बड़ा प्यारा सा, आप जो है उसमें लड़कों को मतलब चिढ़ाया करती थी, वो जरा बोल के दिखाइए मैम कैसे बोलती थी आप, बाकी में बोलते बड़ी प्यारी उसको लगती है जब आप बोलते थे वो वाला, ओए करबुज्जे चल निकल यहाँ से, ओए पपीते चल निकल यहाँ से, तो लड़कों को मैं खरबूजे और पपीते बोलती थी। अच्छा, तो मतलब खरबूजे और पपीते को आपने इतना अंडर एस्टिमेट कर लिया कि खरबूजे पपीते के अलावा कुछ और बोलने के लिए नहीं मिला। राइटर ने अंडर एस्टिमेट किया, आप आपको जवाब देना चाहते हैं उनको? जवाब क्या देना चाहता हूँ, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि खरबूजा पपीता एक अपने आप में वंडरफुल औषधि है। रियली? हाँ जी, गर्मियों में आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखती है, जिन लोगों को हर समय खुश्की बनी रहती है, ड्राइनेस रहती है, उनको खरबूजा खाना ही खाना चाहिए। बस इसके साथ एक छोटी सी बात मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि ना ही खरबूजा और ना ही पपीता आपको खाली पेट कभी नहीं खाना चाहिए। अच्छा। हाँ जी, बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि पपीता खाली पेट खाते हैं, लेकिन खाली पेट आप पपीता खाएंगे तो IBS की प्रॉब्लम हो जाएगी या पेट आपका लूज रहने लगेगा। और जो लोगों को ये आदत है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको अपनी दिक्कत समझ ही नहीं आती तो ऐसा होता क्यों है, तो जिन लोगों को सुबह सुबह खाली पेट पपीता खाने की आदत है वो इस आदत को छोड़ दें और देखिए उनका पेट बिल्कुल ठीक रहना शुरू हो जाए। ब्लोटिंग, ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम्स होती है, मतलब वो मेरे पास चूंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं, ये मुझे नहीं पता प्रचलन कहाँ से चला है पपीते वाला, लेकिन ये सुबह खाली लोग पपीता खाते हैं, खाली खाते हैं। और एक बात मैं और बता दूं, मुझे याद आ गया, आम के आम और गुठलियों के दाम, लेकिन आज आम के आम और गुठलियों के दाम वाली जो ये कहावत है वो आज मैं खरबूजे के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि खरबूजे के खरबूजे और उसको उसके छिलकों के भी दाम। अच्छा। तो जो खरबूजे के छिलके होते हैं, खरबूजे जैसे काट जो छिलका बाद में बसता है, आप उसको धूप में सुखा लीजिए, ड्राई अप कर लीजिए। जिन लोगों को यूरिन डिजीजेस होती हैं, फ्रीक्वेंट पथरी बनने की, रीनल स्टोन, गुर्दे की पथरी बनने की समस्या होती है, वो एक दो पील सूखा हुआ ड्राई पका ले एक ग्लास पानी में, वो पानी पकता पकता जब एक चौथाई रह जाए पूरा उसको चाय की तरह पी जाइए। 10-15 दिन ऐसा कीजिए, जिन लोगों को फ्रीक्वेंट टेंडेंसी होती है ये यूरिन से संबंधित कोई डिजीज है, बहुत तेजी से दूर हो जाएगी खरबूजे के छिलके से। वाओ वेरी इंटरेस्टिंग। वाओ, एक एक चीज लाइक पत्ता, दाना, बीज, छिलका, लाइक हर एक चीज का आपने फायदा बताया है। होना भी ऐसे ही चाहिए ना। वेरी नाइस। और मार्केट में इसका पाउडर भी आता है खरबूजे के छिलके का, ये होल फॉर्म में भी मार्केट में मिलता है। अच्छा। 700 से 800 रुपए पर केजी बिकता है, हालांकि सूखने के बाद बहुत हल्का हो जाता है, इसलिए वो थोड़ा लोग खरबूजा खाते ही है तो बेटर है कि वो छिलके फेंकने से अच्छा आप यूज कर ले। जी जी, है ना, तो आई थिंक लोग ये ज्यादा प्रेफर करेंगे। ऐसा कोई आपकी फिल्मी लाइफ में, बॉलीवुड, मॉलीवुड, टॉलीवुड में? मॉलीवुड अब तक गई नहीं हूँ मैं। अच्छा। जाऊंगी। क्या बात, शुभकामनाएं। थैंक यू। ऐसी मस्ती के तौर पर आपसे कोई भूल गया। हाँ चलिए,
ऐसा कोई आपके साथ अनुभव रहा है जो आपको लगता है कि आज इस पॉड के माध्यम से आपको पब्लिक के साथ शेयर करना चाहिए? कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा, जैसे हम लोगों की लाइफ में कई बार रहता है, आप लोगों की लाइफ में भी रहा होगा सेट पर पहुंचने के बाद। सेट पर पहुंचने के बाद एक्सपीरियंसेस तो बहुत टाइप के होते हैं। फनी एक्सपीरियंस आपका ऐसा रहा हो कि आपको लगा हो कि भाई ये तो नी रोल होने वाला, बहुत टाइम लेगा, लेकिन आपको लगा हो तो मैंने चुटकियों में निपटा दिया? एक्चुअली जब मैं टेलीविजन करती थी उस टाइम पे मैंने एक फायर एक्ट किया था। okay. तांडव एक्ट था वो। अच्छा। तो मैंने ऑब्वियसली, हम ट्रेंड नहीं है, हम तो एक्टर्स हैं ना, तो फायर एक्ट जो लोग करते हैं वो कर्तव्य करते हैं, मुझसे एक्सपेक्ट किया उन्होंने कि वो मैं करूँ। अच्छा। हाँ, चैनल ने, तो बहुत प्रैक्टिस लगी मुझे। तो पहले तो उसमें फायर था नहीं जब मैं कर रही थी, तो मैं बहुत अच्छे से कर रही थी इजीली, लेकिन रिहर्सल के एक दिन पहले उन्होंने उसमें आग लगा दी। अब वो ऐसे ऐसे करने में वो मेरे बालों पे लग गया। अच्छा। और मेरे बालों की लेंथ इतनी लंबी, वो फायर बालों पे जब फायर लगता है तो बाल झट से ऊपर ना जल जाते हैं, तो वो यहाँ से बाल मेरे यहाँ तक जल गए एकदम से। मैं बहुत डर गई, मैंने वो फेंक दिया जोर से उस चीज़ को, और लेकिन फिर भी मैंने वो एक अपने आप को रोई नहीं मैं, और अपने आप को ब्रेक डाउन नहीं किया, और फिर से आई थॉट कि नहीं, कल परफॉर्मेंस है और वो मुझे करना ही है। तो वो एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पे मैं ब्रेक डाउन हो सकती थी, बट मैंने यू नो स्ट्रेंथ दिखाई और फिर मैंने जाके परफॉर्म किया। सो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते रहते हैं। मतलब आपके इस वाले अनुभव से हम ये सीख ले सकते हैं सब लोग कि आपको हार नहीं माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए, चलती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, हर एक चीज़ का सोल्यूशन है लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है, एंड हमें बस उस पर काम करना चाहिए। चलिए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि फिर से वो वाली लेंथ आपके बालों को आपको मिल जाए। हाँ, डेफिनेटली बनाएंगे, थैंक यू। आपका जो शेड्यूल रहता है इस हेक्टिक शेड्यूल के बाद, वो क्या रहता है पूरे दिन का, मैं जानना चाहूंगा। बिल्कुल फिट बॉडी आपने अपनी रखी हुई है। हमारा करियर बहुत डिमांडिंग है, आपको तो पता ही है। तो शूटिंग जब हम रेगुलरली करते हैं तो 12-14 घंटे भी काम करते हैं एवरी डे, तो ऐसे में आप वर्कआउट करने का वक्त नहीं मिलता है। तो द बेस्ट वे व्हाट यू कैन डू इज ईट हेल्दी। तो मैं अपना ध्यान सबसे ज़्यादा हेल्दी खाने पे रखती हूँ कि मैं ऑयली ना खाऊँ, और ऑयली अगर खा भी रही हूँ तो वो ऑलिव ऑयल हो, या यू नो बहुत हेल्दी ऑयल जो बॉडी के लिए हेल्दी है, लाइक नॉट सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड ऑयल, ये सब हेल्दी नहीं है बॉडी के लिए। तो मैं 80% मेरा डाइट होता है जो मुझे फिट रखता है। तो अब तो 6 महीने हुए मैंने वर्कआउट नहीं किया है, बट स्टिल बॉडी मेंटेनेंस पे रहती है हमेशा। तो मैं मैक्सिमम फोकस मेरा खाने पर रहता है, और हाइड्रेटेड रखती हूँ मैं अपने आप को पूरे दिन। या ये हाइड्रेटेड पूरे दिन रखना है, ये किस माध्यम से आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखती हैं? मतलब ये मैं और इसको क्लैरिफाई आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि हाइड्रेटेड आजकल ये ट्रेंड सा चल गया है कि हाइड्रेटेड रखना है, क्या? हाँ, वो इसलिए क्योंकि बहुत लोग क्या होता है, काम में जब बिजी हो जाते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि मुझे पानी पीना है। सच बात है। हाँ, ये हमें कॉन्शियसली बहुत लोगों को याद होता है कि वी शुड ड्रिंक वाटर 8 glasses, 6 glasses जो भी है। कुछ लोग प्यास लगने पे पीते, लेकिन कुछ लोग प्यास लगने पे भी नहीं पीते, बिकॉज वो माइंड में आपके रहता नहीं है। बट जब आप अपने आप को ट्रेन करते हो मेंटली कि आई वॉन्ट टू कीप माई सेल्फ हाइड्रेटेड, तो ये शुरुआत तो पानी से ही होती है। बट पानी के अलावा नारियल पानी सबसे अब तो नेचुरल, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा नेचुरल तो नारियल पानी है, जिसमें शुगर भी नहीं है। दैट वे इफ यू सी कीटो फ्रेंडली भी है, क्योंकि मैं अभी कीटो डाइट पे हूँ फिलहाल, तो वो मुझे एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव लगता है। फिर छाछ हो गया जैसे आपने बोला, सो हर एक चीज़ जो बॉडी को ठंडा रखती है, सब्ज़ा हो गया उसका पानी, तो हर एक तरह के से मुझे लगता है कि मैं तो इसी तरह से रखती हूँ। दो बातें मैं एड्रेस करना चाहूँगा जी पब्लिक को, कि जो सब्ज़ा आपने बोला है जी, ये सब्ज़ा का जो ट्रेंड चला है ना, ये अभी चला है। हाँ। सब्जा जो है मैं तो बहुत सालों से बचपन से पी रही हूँ। बचपन से पी रही हैं, मतलब अभी ट्रेंड सा चलने का हाँ, अवेयरनेस लोगों में अभी आई है। अवेयरनेस तो अभी 2-4-5 सालों से आई है, हो सकता है बचपन से पी रही हूँ। यस यस, वैसे आप ट्राई करके देखिएगा सब्जा को। यदि आप मार्केट में सब्जा के नाम से मंगाएंगे तो आपको शायद वो 100 रुपए का 100 ग्राम या 150 रुपए का 100 ग्राम मिलेगा, और बालंगा के नाम से यदि आप मंगाएंगे तो 40-50 रुपए का 100 ग्राम आधे दाम हो जाएंगे उसके। Because दोनों एक ही चीज है, मार्केट वैल्यू बढ़ने से रेट बढ़ गया है, दोनों एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है। अच्छा। सब्जा जो है एक हॉलीवुड और बॉलीवुड वाला नाम है,
और तुख्म ए बालंगा, तुख्म कहते हैं बीज को, अरबी शब्द है, तुख्म कहते हैं बीज को। अच्छा, आम भाषा में लोग इसको तुकम बालंगा बोल देते हैं, तुक बालंगा बोल देते हैं। अच्छा। बालंगा भी कहना, मैंने तो ये वर्ड कभी नहीं सुना है। आपने नहीं सुना होगा आप, क्योंकि बॉलीवुड वाले हैं। मैं नहीं, 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 नहीं। बचपन से सब सब्जा ही बोलते हैं। आपने कोई नहीं, हो सकता है इधर ट्रेंड हो, लेकिन हकीकत मुंबई में लोग सब्जा बोलते हैं। हाँ, लेकिन वैसे इसका सही नाम जो है वो बालंगा है। अच्छा, बालंगा इसका सस्ता वेरियंट है और सब्जा इसका, दोनों है सेम ही चीज, दोनों सेम चीज है। अच्छा, और दूसरा नारियल पानी का भी आजकल काफी ट्रेंड है। नारियल पानी के बारे में भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग सीकेडी से पीड़ित हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज से, एक्यूट रिनल फेलियर, गुर्दे से संबंधित कोई भी बीमारी है, उन लोगों को नारियल पानी बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के नहीं पीना चाहिए। okay. क्योंकि ये एक इस तरह से आजकल प्रचलन है नारियल पानी का कि लोग लेफ्ट राइट सेंटर बिना सोचे समझे इसको पी लेते हैं। लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम पोटेशियम चैनल है उसको ये बाधित कर देता है, उसका भी उसको बिगाड़ देता है ये जो नारियल पानी है। पोटेशियम बढ़ सकता है, हाइपरकैलेमिया की दिक्कत हो सकती है किडनी वाले पेशेंट को। तो यदि आपको हाइपोकैलेमिया है, आपका पोटेशियम लेवल बिलो द नॉर्मल लेवल है, तो ही किडनी वाले पेशेंट को नारियल पानी का यूज करना चाहिए। अदरवाइज इस इंप्रेशन में रह के कि नारियल पानी मुझे फायदा करेगा, नहीं करेगा। मुझे अब डर लग रहा है। नहीं नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है, वो तो मुझे याद आ गया, इसलिए मैंने बता दिया। अब मैं थोड़ा कम पीऊंगी। नहीं नहीं, कम मत पीना। आपके पास तो डॉक्टर्स होते हैं और डाइटिशियंस होते हैं जो आपको रेकमेंड करते हैं। जी जी जी, बट दिस इज़ अ गुड हेल्प बिकॉज आई थिंक अवेयरनेस इज़ द की। जितना लोगों को पता होगा उतना करेक्ट डायरेक्शन में वो कंजम्पशन कर पाएंगे। बट इट्स रियली गुड, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा बिकॉज इतने नॉलेजेबल हैं आप, और छोटी छोटी चीज़ों में भी आप इतना हेल्पफुल रेमिडीज देते हैं जो लोग घर में ही क्रिएट करके कंज्यूम कर सकते हैं। You are like really, you know, a boon to a normal people's life, to a regular people. Yeah, really. Dr. Rishant, मुझे आपका product जो सुआमला है बहुत ज़्यादा पसंद है, and specially उसमें जो सौंफ की एक flavor आता है जो मैंने consume किया, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सौंफ personally मेरा favorite है। और मैं चाहूँगी कि मेरे through बहुत सारे ऐसे जो audience है जिनको समस्या है body की, उसे उनको help मिले, तो मैं थोड़ा सा आपके product के बारे में उनको बताना चाहूँगी। जैसे कि आप सबने सुना, सुआमला जो है वो काफ़ी गुणकारी है, 100% ऑर्गेनिक आंवला है, और उसमें आंवला के साथ साथ बहुत सारे औषधि गुण हैं जिसे आप कंज्यूम कर सकते हैं, जो कि एक डाइट्री सप्लीमेंट और दवाई नहीं है, राइट? नहीं, हम बोलते तो यही है कि मिठाई भी दवाई है। मिठाई भी और दवाई भी, लेकिन उसके साथ साथ वो एक मिठाई है, डाइट्री सप्लीमेंट और दवाई के साथ साथ एक मिठाई है जो कौन सी हनी से बना हुआ है? सारंग हनी से। सारंग हनी से, जो सारंग हनी की मिठास से बना हुआ है, और अभी बहुत इजी है, आप घर बैठे बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं। और जितने सवाल मैंने किए हैं उससे कई ज्यादा सवाल आप डॉक्टर निशान से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और आप जवाब देंगे ना उन्हें? बिल्कुल। यस, वो आपको जवाब भी देंगे, एंड विच इज गोइंग टू हेल्प इन योर लाइफ, सो फील फ्री टू क्वेश्चन हिम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। Thank you. आज का ये पॉडकास्ट वाकई में इंटरेस्टिंग रहा है। Thank और you. जब एक ऐसे व्यक्ति के सामने एक ऐसी अदाकारा बैठी हूँ तो उनके साथ तो नहीं नहीं, प्लेजर इज ऑल माइन। इतने नॉलेजेबल हैं आप और इतना हेल्प कर रहे हैं लोगों के, आपके साथ बैठना मेरा भी सौभाग्य है। माई प्लेजर टू मैम, और बहुत समय लिया आपका। अब इस पॉडकास्ट को बाय बाय टाटा कहते हैं। वन मिनट, ऐसे नहीं हम बाय बाय कर सकते हैं। अच्छा। बिकॉज आप हमेशा आपके रील के एंड में आपका एक तरीका है, एक अंदाज है आपका उसको एंड करने का, लेकिन इस बार आप अकेले नहीं करेंगे, आप मेरे साथ करेंगे। आपको आप जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। चलिए मैं साथ में जी, जी, जी। तो मजा ही तो आ ही जाएगा।